में आरपीएफ ने रेलवे टिकट दलालों को अब उन पर कार्रवाई करने के लिए टीमें गठित की हैं, जिसमें से 7 टिकट दलालों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। टिकट दलालों के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें से टीम ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और पावर हाउस में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में आरपीएफ के कमांडेंट अनुराग मीणा ने बताया कि इस कार्रवाई में करीब 4,50,000 रुपए के टिकट बरामद हुए हैं। सभी दलालों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत कार्रवाई की गई है। हमारी पोस्टों को इंस्ट्रक्शन थे कि इसी टाइम में जाएंगे और अलग अलग जगह पे, जो कि हम 2-3 दिन से मतलब कि अपने जो जितने भी सोर्सेज थे उनसे हमने पता लगाया कि कौन कौन इस तरह के काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक साथ हमने रेड किया, जिसमें हमने 7 केस रजिस्टर किए हैं, 7 टाउट को गिरफ्तार किया है और अब तक लगभग 4.5 लाख के ऊपर के टिकट हमने जब्त।